अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बोर्ड मार्कर रिफिल करवाना सिखाएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको अपना वाइट बोर्ड अनबॉक्स करके दिखाया था, तो जहन में सवाल है कि अगर किसी के पास न्यू बोर्ड मार्कर नहीं है तो उसके पास अगर पुराना बोर्ड मार्कर पड़ा है तो उसको कैसे रिफिल किया जा सकता है। तो इसके लिए ये रिफिल इंक मिलता है, आई थिंक 50 रुपये की ये शीशी है। तो ये लेकर आप अपने मार्कर का पीछे से बैक पे खोल लें ढक्कन, और इसके अंदर जो ये फॉर्म होता है वो निकालना पड़ेगा। निकल जा 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 भाई, हाँ ये देखें। लेकिन याद रहे कि ये ऐसी मार्कर जो काफ़ी टाइम से पड़ी हुई हो, सूखी हुई हो, तो उस पर ये काम शायद ना करे। लेकिन रिसेंटली आपके जो मार्कर है वो अगर आपका नहीं लिख पा रहा, ख़त्म हो गया उसका इंक, तो वो आप डाल सकते हैं। तो इसको ओपन करके आपने इसमें ये जो मार्कर पेन का फॉर्म है इसमें ये इंक डालना है, लेकिन इसमें ज़्यादा भी नहीं डालना है और उसमें कम भी नहीं डालना है। मुनासिब इसमें डालें जो आप समझ सकें इसमें काफ़ी अंदर जज़्ब हो चुका है। कुछ आपने इस साइड पे डालना है, कुछ दूसरी साइड पे डालना है। हाँ, लेकिन ये मैंने पहले बताया था कि एक बिल्कुल सूखा हुआ पुराना मार्कर वो इसमें शायद काम नहीं करेगा, लेकिन आपके यूज़ में जो मार्कर उसकी इंक ख़त्म हो जाती है आप उसमें ये डालकर जला सकते हैं मार्कर को, और वह अच्छी तरह आपसे आपका चलेगा। ये अब हम इसमें भी इंक डाल रहे हैं इस तरह से भी, तो जैसे आप देख रहे हैं मुनासिब इंक डाल दें। तो ये हमारा मार्कर तकरीबन तैयार है, इसको सेट करके हम कुछ देर रखेंगे ताकि इसमें जो इंक हमने डाला है वो अच्छी तरीके से इसमें हल हो जाए। उसके बाद मार्कर पेन आपका दोबारा काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।